दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पॉलिटी का जो टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, जो प्रायकर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये पद बार कौन संभालेगा और इसके बारे में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 63 यानी कि आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये पद कभी खाली नहीं होने चाहिए क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है ये लोग। तो अब देखिए, अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो अनुच्छेद 65 में लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेगा, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब काम कौन करेगा राष्ट्रपति का, यहां पर यह कंफ्यूज करता है और यहां संविधान बिल्कुल मौन है। यहां संविधान में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा, क्योंकि ये पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 77 अनुच्छेद 77 में लिखा है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित किए जाएंगे। भारत सरकार के सभी कार्य जब राष्ट्रपति के नाम से संचालित किए जाते हैं तो इसका मतलब ये श्योर है कि राष्ट्रपति का पद खाली कभी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अनुच्छेद 70 ध्यान से सुनना, आर्टिकल 70 अनुच्छेद 70 में लिखा है कि अन्य प्रकार की कोई भी आकस्मिकताएं हो जाती है अगर, तो संसद उचित कानून बना सकती है, उचित प्रावधान कर सकती है विधि बनाकर। तो यहां एक आप ध्यान से सुनना, 1969 में भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका पद पर निधन हो गया था। 1969 में जाकिर हुसैन के निधन के दौरान उपराष्ट्रपति वी गिरी थे और उपराष्ट्रपति वी गिरी अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनको चुनाव लड़ना था और चुनाव लड़ने के कारण उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। पद से त्याग पत्र देने के बाद अब ये दोनों पद खाली हो गए थे। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि 1969 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो गए थे। अब ये पद बार कौन संभालेगा, इसके बारे में कोई प्रावधान संविधान में नहीं था, तो संसद ने उस समय एक कानून बनाया कि राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंधित एक एक्ट बनाया 1969 में, और उसमें लिखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद अगर रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम कोई न्यायाधीश ये पद बार संभालेगा। और उस समय मोहम्मद हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश ये पदभार संभालता है। ये इस प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया है। तो संविधान में तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में नहीं लिखा है कि वो पदभार संभालेगा, लेकिन संसद के द्वारा 1969 में बनाए गए उस अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है कि ये दोनों पद रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये पदभार संभालेगा। तो इसी प्रकार के कन्फ्यूज करने वाले आपके दिमाग में भी बहुत सारे टॉपिक आते होंगे, कई क्वेश्चन आते होंगे, तो आप ज़रूर हमें बताएं, पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका ज़रूर आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और पॉलिटी में अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, जो आज तक आप नहीं समझे, तो आप कॉमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दें, अगला वीडियो में उसके ऊपर बनाकर श्योर में डाल दूंगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।